तो जी ये रे इस गाड़ी में अल्टीमेट कस्टमाइज्ड सीट कवर जो कि भैया ने लगाए हैं, बहुत ही बढ़िया, मतलब मर्सिडीज डिजाइन में सीट कवर है। मर्सिडीज की गाड़ियों में आते हैं, मर्सिडीज में सीट कवर आता है। स्पेशली सर को वो फोटो दिखाई थी और वो फोटो से उन्होंने एज अ कस्टमाइज कराया इसको। बहुत शानदार सीट, बहुत बढ़िया, मतलब जो आपने एक्सयूवी 700 में देखे होंगे, बहुत ही प्यारा कलर है। यहाँ पे आप देखोगे ना पूरा पहले एम्बियंट लाइट पूरी सीट से सीट लेके मिलके गया हुआ है। एम्बियंट लाइट लोग जो है ना यहाँ पे नीचे लगाते हैं और वो बाहर आता है। हम ना क्या करते हैं कि यहाँ पे लगाते हैं और काटने का ना वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लस यहाँ देखोगे हैंडल लीवर, इस पे भी लाइट आ रही है। यहाँ पे पियानो ब्लैक की फिनिशिंग दी गई है, जो फिनिशिंग वाला काम कहते हैं ना, इसमें कुशनिंग पूरा दिया हुआ है। ये एज इट इज चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे डबल स्टिचिंग के साथ पूरा है भैया, और इसमें भी देखो पूरा प्रॉपरली फिनिशिंग, जो एक कुशनिंग का जो पार्ट होता है वो यहाँ पे भी दिया। ये है अपनी टेल लाइट जिसकी सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है। टेल लाइट और रियर एसी वेंट्स की सबसे ज्यादा डिमांड है, दोनों इस गाड़ी में लगे हैं। यहाँ पे लगाया, ये अपना कैमरे की फिटमेंट है, 0-0 फिटमेंट है, और जैसे टॉप मॉडल में अल्फा में आता है सेम ऐसे ही फिटमेंट है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज आपको देखो, 360 डिग्री कैमरा है भैया ने इस गाड़ी में लगाया है। देखो ये प्रॉपरली 360 ऑपरेट हो रहा है एज इट इज चारों तरफ से, और एक एक जगह से ना, ये चाहे मैं फ्रंट की बात करूं, फ्रंट पे भी देखो तीन कैमरे दिखते हैं। ये वर्ल्ड व्यू है जो ऊपर से पूरा व्यू दिखता है, ये सामने की तरफ है, और ये आपका पूरा वाइड एंगल कैमरे की से दिखता है वो है। पीछे भी देखोगे सेम ऐसे तीन कैमरे हैं, चाहे मैं वर्ल्ड व्यू दिखाऊं, चाहे वाइड एंगल दिखाऊं, चाहे नॉर्मल दिखाऊं। और व्यू में भी आपका यहाँ पे पहले देखो गार्निश आपको हो चुकी है, तो जैसे लॉक करूंगा वैसे ये वर्क करेगा, और जैसे अनलॉक करूंगा वैसे वर्क करेगा। जो अल्फा मॉडल वाला एक फीचर होता है वो इसके अंदर ऐड हुआ है। आप आवाज सुन रहे हैं, ये भी भैया सिग्मा में चालू कर देंगे, हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस इसमें देखोगे आप जो इसकी की है कुछ इस तरीके से चेंज हुई है। बाकी साइड में यहाँ पे भैया ने रेंज वाइजर लगाया है, प्राइसिंग 2190 MRP है, लेस करके 1095 रुपये का है। ये भी नेक्स्ट जेन 50% डायरेक्ट डिस्काउंट मेरी वीडियोस के लिए भैया, मेरी वीडियोस के लिए, अभी सारी वीडियोस के लिए, स्पेशली आपकी वीडियो देख। पीछे इस गाड़ी के एसी वेंट करे गए हैं, चालू करके दिखाता हूं आपको, चालू करके दिखाते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग पोर्ट, देख लो आपको आवाज आ रही होगी। फ्रंट में बम्पर के साथ यहाँ पे क्रोम है, जो नेक्सा जेन्युइन पार्ट में आता है वो इसके अंदर, देखने में इसका काफी अच्छा लग जाता है, बहुत ही बढ़िया लुक लग रहा है। मतलब ये तो मैंने भी पहली बार ही देखा, इससे पहले नहीं देखा। तो जी राम राम सही भाई को, क्या हाल है भाई आप सबकी, उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। भाइयों आज हम आए हैं ऑटो यूनिक में कृष्णा भैया के पास, एक और नई फ्रॉन्क्स की वीडियो आपके सामने आने वाली है। तो ये मॉडल है आपका डेल्टा प्लस मॉडल, इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके का काम हुआ है, मतलब नेक्स्ट लेवल, कोई भी ऐसा काम नहीं जो इस गाड़ी में ना हुआ हो। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो आने वाली है, जो लोग फ्रॉन्क्स लेना चाह रहे हैं डेल्टा प्लस मॉडल उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक करके जरूर जाना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो करते हैं शुरू। तो जी कृष्णा भैया हमारे सामने आ गए, क्या है कृष्णा भैया? बहुत शानदार जी, बहुत बढ़िया। तो हमारे सामने भैया फ्रॉन्क्स खड़ी हुई है डेल्टा प्लस वेरिएंट जी। तो इसमें भैया क्या क्या काम हुआ है? दिखने में तो बहुत ही ज्यादा, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा आपने, मुझे जहाँ तक मुझे पता चल रहा है। हेडलाइट की बात करूँ, चाहे मैं एसी वेंट की बात करूँ, चाहे मैं एक शानदार इंटीरियर की बात करूँ, सारा काम इसके अंदर हुआ है। मतलब जो भी काम उसमें हो सकता है सारा काम भैया ने करा। भैया हो नहीं सकता, इसमें भी वाइपर नहीं लगा, वाइपर छोड़ के कुछ चीजें ऐसी जो छोड़ के, जैसे डबल टोन हो सकती है गाड़ी, तो कुछ चीज़ और हैं जो आप करा सकते हैं, बाकी मैक्सिमम सारा काम इसमें हुआ है भैया, मैक्सिमम सारा काम है। इसमें आप वाइपर कब चालू कर रहे हो? वाइपर भी है, जैसे इसकी एक टैंक है वो आनी है, वो हो जाता है भैया, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं वाइपर कब चालू कर रहे हो, तो एक बार कंफर्म बता दो सब्सक्राइबर्स को। कंफर्म भैया, बस आप ये समझ लो आज का दिन रुक जाओ, कल गाड़ी हमारी गई हुई है लद्दाख, भाई लेके गया हुआ है, मतलब आने वाली आपको 4-5 वीडियोस में उसके बाद आपको वाइपर चालू होते दिखाई देगा। मेरा भाई, छोटा भाई अनुज भाई, तो वो जैसे ही लेके आएगा गाड़ी फ्रॉन्क्स अपनी, हो सबसे पहले चालू करके देंगे, उसके बाद सारी गाड़ियों में, मतलब ये समझ लो फिर लगातार होगा चालू, लगातार होगा, ऐसा नहीं कि एक गाड़ी में चढ़ कर दिया फिर आगे नहीं हो रहा, सारी गाड़ी में होगा। तो भैया इसका एक बार पूरा डिटेल में बता दो, गाड़ी में क्या क्या काम किया है। अगर हम शुरुआत करें इस गाड़ी की फ्रंट की, तो फ्रंट में भैया मेरे ख्याल से फ्रंट में तो DRL इसमें आती भी है, हेडलाइट इसमें आती है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना चेंज हुई है इसमें। ये देखोगे आप फ्रंट में बम्पर के साथ यहाँ पे क्रोम है, जो नेक्सा जेन्युइन पार्ट में आता है वो इसके अंदर। ये क्या लगा है? ये नेक्सा जेन्युइन पार्ट में आता है, ये पार्ट एसेसरीज में आता है, एसेसरीज में आता है, ये इसमें लगा है, और थोड़ा सा देखने में इसका काफी अच्छा लग जाता है, बहुत ही बढ़िया लुक लग रहा है। मतलब ये तो मैंने भी पहली बार ही देखा, इससे पहले नहीं देखा। इसके बाद फ्रंट आप देखोगे कैमरा है, खास बात ये है 360 डिग्री कैमरा लगाया भैया ने, 360 डिग्री इसमें कैमरा लगाया पूरा एज इट इज। इसके साथ में साइड में आप आओगे मड फ्लैप, और मड फ्लैप भी आप देखोगे जेन्युइन कंपनी के हैं एज इट इज। प्राइसिंग बताता हूँ, 590 रुपये MRP आती है, लेस करके आपका 295 रुपये के आसपास पड़ता है, ओरिजिनल कंपनी है। यहाँ पे साइड वेंट है GFX का पड़ता है, 2100 रुपये MRP होती है, 1450 रुपये का होता है।
ओआरवीएम है, ओआरवीएम में भी आपका यहाँ पे पहले देखो गार्निश आपको हो चुकी है, मैं जैसे ही लॉक करूँगा वैसे ही ये वर्क करेगा और जैसे अनलॉक करूँगा वैसे वर्क करेगा। जो अल्फा मॉडल वाला एक फीचर होता है वो इसके अंदर ऐड हुआ है, तो इसकी वजह से क्या है कि प्रॉपरली आपका कहीं भी आप गाड़ी को लोकोगे जैसे ही लॉक करेंगे वैसे ही लॉक और जैसे ही अनलॉक करेंगे वैसे ही। और साथ साथ जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये भी भैया सिग्मा में चालू कर देंगे, हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस इसमें देखोगे आप जो इसकी की है कुछ इस तरीके से चेंज हुई है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा जो लुक है, मतलब फ्लिप की भी बन गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे भैया ने लगाया है, इसे क्या कहते हैं भैया? ये वीलाज गार्निश है, ओरिजिनल कंपनी की आती है, नेक्सा की एसेसरीज में आती है, और इससे भी गाड़ी का लुक काफ़ी अच्छा बन जाता है। बाकी अलॉयज भी भैया टॉप मॉडल वाले लगा देते हैं, भैया डिस्काउंट कितना दोगे उस पर एक बार ये बता दो? 30 से 32 हज़ार रुपये उसकी कॉस्ट है। वैसे उसकी एमआरपी कितनी है भैया? 36,600। तो डिस्काउंट जो है 10-15% के आसपास ही डिस्काउंट आता है, क्योंकि भैया वो कोई ज़्यादा मतलब वो पीछे से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं आता, आएगा तो ज़रूर डिस्काउंट बढ़ाएंगे। पहले जैसे इसमें 35 था, फिर 40 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 50 हुआ, ऐसे उसमें भी जैसे आएगा वैसे 30,000 का भी देंगे, 28 का भी देंगे, डिपेंड करता है जैसे जैसे आएगा उस हिसाब से। बाकी साइड में यहाँ पे भैया ने रेंज वाइजर लगाया है, प्राइसिंग 2190 MRP है, लेस करके 1095 रुपये का है। ये भी नेक्स्ट जनरल 50% डायरेक्ट डिस्काउंट, डायरेक्ट डिस्काउंट मेरे वीडियोस के लिए भैया, मेरी वीडियोस के लिए, आपकी सारी वीडियोस के लिए, आपकी वीडियो के लिए, ठीक है, स्पेशली आपकी वीडियो देख ले। इसके बाद हैंडल क्रोम है, 1490 रुपये MRP है, 745 रुपये पड़ता है। ये भी जेन्युइन होता है, जेन्युइन कंपनी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप विंडो लोअर विंडो गार्निश है, ये लीक का होता है, जेन्युइन नहीं होता, जो जेन्युइन नहीं है मैं नहीं बोलूँगा जेन्युइन है, और इसमें लीक का होने की वजह से क्या है कभी भी आपका रश नहीं पकड़ता, तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे लगती है। ये देखोगे आपका ना एसएस में होता है पूरा, कभी भी रश नहीं पकड़ता, मैं ऐसे हाथ कर रहा हूँ तो चुभ नहीं रहा मुझे, तो ये बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको साइड में कटिंग्स भी मिलती है, साइड बिडिंग होती है, साइड बिडिंग जिसे कहते हैं, डैम्पिंग होती है, डैम्पिंग आप देखोगे यहाँ पे डैम्पिंग नहीं हुई है और यहाँ पे हुई है, तो डोर उससे क्या हैवी हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद डोर गार्ड है, वाइट कलर लगाया, आईपॉप का लगाया, दूसरी गाड़ी है उससे ना टच नहीं होता, तो ये एक अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर, ये छोटी छोटी चीज काफ़ी इफेक्ट करती है गाड़ी में। बाकी यहाँ पे साइड में ये एक नई चीज़ भैया ने लगाई है, भैया इसे क्या कहते हैं? बम्पर कॉर्नर है भैया, रेड लुक में, रेड स्टिचिंग में है पूरा, और बहुत प्यारा लग रहा है, ओरिजिनल में बहुत अच्छा लगता है ये, और सबसे अच्छी बात क्या है कि ओरिजिनल कंपनी का आता है जिसे कभी भी ना खराब होने की दिक्कत नहीं है, बम्पर पे कोने पे लगा होता है और कभी भी गाड़ी आगे पीछे लाए ना तो लगता नहीं है, तो ये देखो लुक देखो कितना प्यारा लग रहा है साइड में जी। और बाकी इसमें रिफ्लेक्टर्स लगे हैं, वो आपके अलग अलग डिजाइन के आपको मिल जाएंगे, स्कैनिंग के साथ काफी सारे डिजाइन के आ जाएंगे भैया। ये है अपनी टेल लाइट जिसकी सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है, टेल लाइट और रियर एसी वेंट्स की सबसे ज्यादा डिमांड है, दोनों इस गाड़ी में लगे हैं भैया। इसमें एक बार बता दो कितने तक का गाड़ी में काम हुआ है, अगर कोई भाई डेल्टा प्लस लेकर चल रहा है तो कितना बजट लेकर के चले भैया? अगर ऐसा काम कराना है मतलब इस लेवल पे, अभी इसके अंदर भैया आप कहते हैं ना जो एक प्रीमियम काम होता है स्पेशली इंटीरियर में, देखो अगर टेल लाइट की कोई कॉस्ट है बाई चांस एक्स या वाई, तो वो कॉस्ट एक्स या वाई ही रहेगी भैया, वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अंदर जो भी कॉस्ट है उसकी चेंज हो सकती है, पर इंटीरियर एक ऐसी चीज़ है भैया उसमें आप अपने हिसाब से कॉस्ट चेंज कर सकते हो, एज अ क्वालिटी के हिसाब से, वो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करा सकते हो। अगर कुछ ऐसा काम कराना चाहते हो तो लगभग 70-80 हज़ार, 90 हज़ार या लाख रुपये करीब कॉस्ट लेके चले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके हिसाब से आपका क्या टेस्ट है, ठीक है। इसके बाद टेल लाइट आप देखोगे एज इट इज पूरी फिटमेंट आई है, 0-0 कहीं से हिलने वाला नहीं है, देख लो प्रॉपर फिटमेंट होती है, और फर्स्ट इन इंडिया भी हमने करके दिया था। और भैया रोज की भैया कितनी गाड़ी में लगा लेते हो आप? भैया टेल लाइट मिनिमम 3-4 गाड़ियों में रोज लगता है, 3-4 गाड़ियों में डेली लगाते हैं। यहाँ पे लगाया, ये अपना कैमरे की फिटमेंट है, 0-0 फिटमेंट है, और जैसे टॉप मॉडल में अल्फा में आता है सेम ऐसे ही फिटमेंट है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपको देखो, 360 डिग्री कैमरा ही भैया ने इस गाड़ी में लगाया। इसके बाद भैया गाड़ी को ओपन करते हैं, नीचे आप देखोगे बूट मैट है, वो भी GFX का है, लॉन्ग लाइफ मैट में जो आता है प्रॉपरली। इसके बाद यहाँ पे बूट लाइट है जो नॉर्मली आपका यहाँ से भी कंट्रोल हो रही है, प्लस सेंसर के साथ है, इसको जैसे आप बंद करेंगे वैसे ही देखेंगे आपकी ये बंद हो जाएगी, अभी चल रहा है बंद हो गई। तो ये सारी चीज़ें भैया बाहर की तरफ था, अब चलते हैं अंदर। और जितना काम भैया मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि जितना काम बाहर हुआ है ना उससे दुगना काम अंदर हुआ है, कई गुना ज़्यादा काम अंदर हुआ है, ऐसा क्वालिटी वाइज ऐसा इंटीरियर वाइज। तो अंदर चल के दिखाते हैं काम क्या हुआ है। तो जी ये रे इस गाड़ी में अल्टीमेट कस्टमाइज सीट कवर जो कि भैया ने लगाए हैं जी। भैया जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी सेम ऐसी सीट कवर थे, जो कि काफ़ी सारे कमेंट आए हैं, बहुत ही बढ़िया, मतलब मर्सिडीज डिज़ाइन में सीट कवर है, मर्सिडीज की गाड़ियों में आते हैं, मर्सिडीज में सीट कवर आते हैं, स्पेशली सर को वो फोटो दिखाई थी और वो फोटो से उन्होंने एज आ कस्टमाइज कराया, बहुत शानदार सीट, बहुत बढ़िया, मतलब जो आपने XUV700 में देखे होंगे बहुत ही प्यारा कलर है। अच्छा भैया ये गंदा हो जाता है इसके लिए फोम क्लीनर आता है, जितना मर्जी गंदा हो जाए आप एक बार में साफ कर सकते हो, नया हो जाएगा, एक हफ्ते में एक बार लगाओ फोम क्लीनर अपने आप नया हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात देखोगे भैया मैं बार बार कहता हूँ अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, इसी वजह से आपको क्वालिटी में, फिटिंग में, कपड़े में,
कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा, कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलता। इसका जो फोमिंग होती है ना, वो फोमिंग 19+21 mm की होती है, जिस वजह से आपको प्रॉपरली पूरी कुशनिंग मिल जाती है। देख रहे हो आप, देख लो हर जगह से कुशनिंग मिलती है, जिस वजह से आपको एक प्रॉपर फिट। आप कहीं से भी देख लो, कहीं से भी स्टिचिंग, कहीं से भी अनइवन नहीं लगेगा आपको। हाँ जी, पूरा प्रॉपर आपको एक सिस्टम मिलेगा। बीच में भी सेम ऐसे, इसकी हर सीट का, और में ऐसा नहीं है कि वही जो 3 सिलाई वाला है, इसमें भी देखो पूरा सिमेट्री है ना, पूरी ऐसे बनी होती है। बैक सपोर्ट, थाई सपोर्ट बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार रहता है। साथ ही साथ आर्मरेस्ट भी यहाँ पे करी गई है, जेन्युइन कंपनी का ये भी, और सेम ये भी आपका सेम इसमें ही किया गया है डबल स्टिचिंग के साथ। बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा भैया, इसका प्राइस क्या है, अगर कोई खाली सीट कवर कराना चाह रहा है? भैया बता रखे आप 12,500 लाइफ टाइम वारंटी वाला। सबसे बढ़िया, इससे बेस्ट नहीं आता कोई, इससे बेस्ट कोई सीट कवर नहीं आता। और ये भैया की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, मैं वही बार बार आपको कहूंगा वीडियो में, भैया की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। उसके साथ साथ यहाँ पे इंटीरियर में भी, डैशबोर्ड में भी भैया ने फिनिशिंग दी है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी भैया इसकी स्टीयरिंग भी चेंज हुआ है, स्टीयरिंग के ऊपर लेदर रैप हुआ है डबल टोन में, जो इसका ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पूरा एज इट इज नीचे रखा गया, और ऊपर सेम वही वेज कलर है। स्टिचिंग देखोगे वेज कलर के साथ है, स्टीयरिंग कंट्रोल इसमें आता है, पर इसमें जो है आपका 360 डिग्री के साथ पूरा जो सिस्टम है वो लगा है 9 इंच के साथ। यहाँ पे भी आप देखोगे प्रॉपरली 360 ऑपरेट हो रहा है एज इट इज चारों तरफ से, और एक एक जगह से ना, ये चाहे मैं फ्रंट की बात करूँ, फ्रंट पे भी देखो 3 कैमरे दिखते हैं। ये वर्ल्ड व्यू है, जो ऊपर से पूरा व्यू दिखता है, ये सामने की तरफ है, और ये आपका पूरा जो एक वर्ड आपका वाइड एंगल कैमरे की से दिखता है वो है। पीछे भी देखोगे सेम ऐसे 3 कैमरे हैं, चाहे मैं वर्ड व्यू दिखाऊं, चाहे वाइड एंगल दिखाऊं, चाहे नॉर्मल दिखाऊं, और बहुत ही बढ़िया सेम लेफ्ट साइड पे भी देखो, लेफ्ट साइड पे भी एज इट इज तीनों कैमरे दिख रहे हैं आपको। और अभी आप लेफ्ट साइड पे खड़े हो फिर भी आपको तीनों कैमरे दिख रहे हैं प्रॉपरली, राइट साइड पे भी सेम ऐसे ही दिख रहा है आपको तीनों। और आपका दोनों तरफ अगर एक तरफ देखना चाहोगे, इसमें एक चीज देखो, टायर आपको दोनों दिख रहे होंगे, टायर को जिधर काटूंगा ना वो भी दिखाई दे रहा है इसमें सिस्टम में दिखेगा। और आपको टायर चोरी तो नहीं हुई वो भी दिखाई दे रहा है इसमें, ये देखो भैया, देख लो ये बहुत अच्छी चीज। भैया एक बात बताओ, जो इसका डेल्टा प्लस में जो इसका म्यूजिक सिस्टम आता है, उसमें ये 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट करता है? तो मतलब जो इसका कंपनी फिट आता है उसमें सपोर्ट नहीं करता, वो हट गया अभी, उसमें सपोर्ट नहीं करता, उसमें ना रिमोट वाला करता है, वो इतने अच्छे से चलता नहीं। तो आपको सिस्टम चेंज करवाना पड़ेगा अगर आपको 360 लगवाना है, प्रॉपर टॉप मॉडल अल्फा मॉडल वाला, अल्फा वाला लगवाना पड़ेगा। प्लस इसकी आप देखोगे जो ये जो है ना आपका स्टीयरिंग, ये पूरा देखो ऑन हो गया है। इसके बाद ये जितने भी कंट्रोल, जितने भी बटन है ना, सारे ऑन हो गए हैं। तो ये एज अ कंपनी वाला जो काम होता है ना, देखो यहाँ पे जैसे मैं पार्किंग अभी ऑफ है, आप देखोगे यहाँ पार्किंग ऑफ है, पार्किंग ऑन करूंगा यहाँ पे देखो ऑन हो गया, जैसे ऑफ करूंगा यहाँ पे ऑफ हो गया। ये चीजें आपके कंपनी फिटेड वाले कम्प्लीटली वर्किंग है, ऐसा नहीं कि मतलब लगा दिया है कि चालू नहीं कर रहा, वर्किंग में। इसमें भी आपका रेडियो जैसे उसमें चलता है, टी लिंक जिसमें एप्पल कार प्ले वायरलेस है, प्ले स्टोर वगैरह हर चीज, यहाँ तक कि उसमें वीडियो नहीं चलता था, यूट्यूब से वीडियो भी चला सकते हो। पेन ड्राइव का जो सिस्टम आता है आपको यहाँ पे एज इट इज, ये भी वर्किंग है भैया, ये भी चलेगा। ये भी नहीं आता भैया इसमें? ये भी इसमें डेल्टा प्लस में आता है, और वो दूसरे वाले सिस्टम के लिए आता है। इसमें ऑन हुआ है भैया, ऑपरेट हुआ है, तो ये मैं इवेंट्स भी लगे हैं, देख लो बिल्कुल टॉप मॉडल वाला। और यहाँ पे भी आप सिल्वर हो जाएगा भैया, ये भी है सिल्वर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे ना पूरा पहले एमएल लाइट पूरी सीट से सीट लेके मिलके गया हुआ है। एमएल लाइट लोग जो है ना यहाँ पे नीचे लगाते हैं, पर वो बाहर आता है, हम ना क्या करते हैं कि यहाँ पे लगाते हैं, और काटने का ना वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरी डोर कवर करता है, और मतलब फिनिशिंग भी प्रॉपर आती है। प्लस यहाँ देखोगे हैंडल लीवर, इस पे भी लाइट आ रही है, जो अपने 18 पीस वाला लगा है, और नीचे ग्लोव बॉक्स है, इसके अंदर भी लाइट है। अब यहाँ पे अगर चेक करोगे सामने की तरफ भी, ये देखो यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइट, और यहाँ पे पियानो ब्लैक की फिनिशिंग दी गई है, ब्लैक की चार डोर की फिनिशिंग है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे एक जो फिनिशिंग वाला काम कहते हैं ना, इसमें कुशनिंग पूरा दिया हुआ है, ये एज इट इज चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे डबल स्टिचिंग के साथ पूरा है भैया, और इसमें भी देखो पूरा प्रॉपरली फिनिशिंग, जो एक कुशनिंग का जो पार्ट होता है वो यहाँ पे भी दिया हुआ है। मतलब जितना हो सकता है उतना काम भैया ने इस गाड़ी में किया है, इस गाड़ी में पूरा काम हुआ है भैया, वाइपर छोड़ के। हाँ, वाइपर छोड़ के। इसके चारों ये पावर विंडो पार्ट तो चेंज हुए हुए हैं, यहाँ का एसी वेंट तक चेंज हुआ है, यहाँ पे देखो बीच में ना एक कार्बन फाइबर आता है, ये तक चेंज हुआ है। अच्छा, ये पियानो ब्लैक कर दिया भैया, ये पियानो ब्लैक हो गया, ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया हुआ है भैया, अभी तक नहीं हुआ था। ये बीच में आपको कार्बन फाइबर जैसा कुछ मिलता है, ये देख रहे हो, ये जैसे ग्लॉस में है ना सिल्वर, ये तो सिल्वर ग्लॉस में हम पहले भी करते आ रहे थे, पर जैसे ये पियानो ब्लैक में आता था, वैसे ये भी पियानो ब्लैक में, और ये भी ओरिजिनल कंपनी का, देखो ये भी पियानो ब्लैक में, और उधर भी आपको पियानो ब्लैक में मिल जाएगा, ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया हुआ है, ये एक अच्छी चीज है। तो बहुत ही अल्टीमेट लेवल का इस गाड़ी में काम किया गया, और मेन चीज इस गाड़ी में एसी वेंट चालू किए गए हैं, वो आपको दिखाते हैं। चालू है। प्लस कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, पीछे की तरफ की एमए लाइट की फिटमेंट दिखाऊंगा कैसी। यहाँ नीचे आप फ्रॉन्स की स्कफ प्लेट्स भी मिलती हैं, जो कि स्टील वाली है, लाइट वाली नहीं है, लाइट नहीं है, इसमें कई ऑप्शन मिलते हैं। ये स्टील है, एसएस में मिलता है, स्टील नहीं, स्पेशली एसएस स्टेनलेस स्टील में, ठीक है, जो कभी भी जंग नहीं लगता। ये ऑप्शन है आपके पास, व्हाइट कलर, ब्लू व्हाइट, कई ऑप्शन, काफी सारे ऑप्शन हैं, वो आपके ऊपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो बाकी यहाँ पे गाड़ी में फ्लोरिंग भी करी गई है, आप देख सकते हैं पूरी फ्लोरिंग, डाई वाली फ्लोरिंग है, फिटिंग भी 0 to 0 एक्यूरेट पूरी। और यहाँ पे मैट डले गए हैं,
जो कि बिल्कुल 0-0 फिटमेंट वाले हैं। पीछे चल के दिखाते हैं आपको सीट कवर और एसी वेंट्स चालू करे गए हैं। तो जी पीछे के सीट कवर का एक बार आप लुक देख लो, अल्टीमेट मतलब नेक्स्ट लेवल। सिंगल रिंकल जिसको कहते हैं ना भैया, वो नजर नहीं आने वाला। मतलब ऐसा देखने में आपको ना, ये देखो जितना आपका हाथ अंदर धस सकता है ना वो जाएगा अंदर। मक्खन मलाई कलर है जिसे कहते हैं भैया। मतलब मेरे को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मतलब आप ये समझ लो, अगर ऊपर वाला चाहेगा ना, कोई बोलेगा आप अपने हिसाब से सीट कर बताओ कौन से अच्छे लगने चाहिए, तो बेस्ट है इस गाड़ी में, सबसे बेस्ट है, इससे बढ़िया नहीं है। मुझे नहीं पता इसका रीजन क्या है, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं सीट कवर, क्योंकि भैया हो सकता है अभी तक हमने दूसरे सीट कवर लगाए हैं, ये टैन और आइस ग्रे कलर हमने बहुत लगाया है, पर ये कलर अभी नया आया है, तो इसमें स्पेशली बहुत शानदार ये सीट कवर है, बहुत शानदार। और खास बात है कि इसके आप पीछे भी देख सकते हैं, पीछे भी एज इट इज जीरो फिटिंग, यहाँ पे आप हाथ डाल के देख लो, प्रॉपर पूरी फिटिंग है। और पीछे इसका ब्लैक नहीं है, पीछे भी मतलब वही कलर का है जो सीट कवर है पूरे इसके। भैया इस कलर को कहते क्या है? ये वेज कलर है जो आपके डिजायर में आता है, मर्सिडीज में लगा हुआ आता है ये कलर। भैया डिजायर कहाँ, मर्सिडीज कहाँ, लेकिन जो मर्सिडीज में आता वो है, मतलब एक नंबर कह सकते हो आप। और देख लो पीछे इस गाड़ी के एसी इवेंट करे गए हैं, चालू करके दिखाते हैं आपको, चालू करके दिखाते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग पोर्ट, जो कि मतलब भैया रोज की 3-4 गाड़ियों में एसी इवेंट्स इंस्टॉल करते ही करते हैं। देख लो आपको आवाज आ रही होगी, सिर्फ अभी आवाज सुन लो आप, बाकी यहाँ पे देखोगे ना, ये देख लो, ये आपको हवा आपको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहीं से भी बंद भी हो जाएगा। अब मैं अगर इसको बंद कर दूं तो यही उड़ेगा नहीं, तो अब आवाज़ आनी बंद हो गई होगी आपको, आप देखोगे आप उड़ेगा नहीं, अगर यही पन्नी में दोबारा सामने जाऊंगा आप उड़ेगा नहीं। और यही अगर मैं ये चालू कर दूं तो देखो ये उड़ना शुरू हो गया, तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो इसे। बाकी कोई भी काम ऐसा नहीं रहेगा जो इस गाड़ी में ना हुआ हो। ये मेन काम इसमें ना फिनिशिंग वाला काम, बहुत अच्छा फिनिशिंग वाला काम, बहुत ही अल्टीमेट। इसमें एमएलएड देखोगे, हम एमएलएड ऐसे यहाँ पे लगाते हैं, पहले से हम यहाँ लगाते हुए आ रहे हैं, पर एमएलएड देखोगे आज यहाँ लगी है, छोटा सा मतलब थोड़ा सा छोटे पीस में लगी है, पर आप देखोगे ना कहीं से निकला हुआ नहीं है, बहुत अच्छे से अंदर गया हुआ है और बहुत अच्छे से फिनिशिंग आई है। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि जब भी काम थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है ना, अच्छा तो रोज ही होता है, पर जब थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है ना, तो भैया ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा खुश होते हैं, पता नहीं क्यों अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ये रीजन है आपको एक काम में ना अपनी जान डाल देना, ये रीजन है एक कस्टमर को सेटिस्फाई करके। तो जिन भैया की गाड़ी है वो हमारे साथ ये रहे। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूं। आपका नाम सर? ली चौधरी। तो सर कैसा लगा आपको गाड़ी में जो काम हुआ आपका, जितना भी काम बहुत बढ़िया हुआ है, एक्सीलेंट काम हुआ। मतलब कोई कमी पेशी कोई रह गई हो तो बता दो अभी भैया को। नहीं अभी तक तो कोई कमी पेशी नहीं है। ठीक है। तो सर कहाँ से आए हैं आप? पश्चिम घाट। तो दिल्ली से आए हैं, तो आपको यहाँ का मतलब कैसे चला पता? यहाँ का पता यूट्यूब से पता चला। स्पेशली सर आज सुबह आ गए थे और कल रात को मुझे कॉल किया था। सर से एक चीज़ जानूंगा, सर आप आए थे पूरे दिन में लगभग कितनी फॉर्म्स आपने देखी? वैसे तो आप 12-1 बजे के बाद आए हैं, आप सुबह सर के आने के बाद भी 3-4 गाड़ियाँ होके जा चुकी थी सुबह सुबह, जो हमारे पास 9-10 बजे गाड़ियाँ जाती है। पूरे दिन में कितनी गाड़ियाँ देखी आपने? मैंने 5-6 गाड़ियाँ देखी आपने, और सुबह 4 गाड़ियाँ अलग, तो लगभग 9-10 गाड़ियाँ तो सर ने आज डेली 10 गाड़ियाँ भैया के पास डेली आती है, चाहे वो कोई सा भी मॉडल हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, फ्रॉम सी 10 गाड़ी बनती है, मोस्ट जरूरी चीज ये। बाकी अगर आपके पास कोई और गाड़ी हो तो वो भी आप लेकर आ सकते हैं। आपको याद होगा क्रेटा में हमने पीछे रिफ्लेक्टर लगाए थे, A to Z कोई सी भी गाड़ी हो अपना काम जो है वो A1 होता है, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी गाड़ी वही करते हैं जिसमें काम अच्छा कर पाते हैं, जिसमें नहीं कर पाते वो हम पहले से मना कर देते हैं। बाकी सर काम आपका पूरा सेटिस्फाई लगा? अगर आपकी वीडियो देखे कोई आना चाहे तो आप रिकमेंड करोगे? डेफिनेटली आई विल रिकमेंड। बाकी सर सीट कवर कैसे है? सीट कवर एक्सीलेंट बनाए हैं मेन, तो सीट कवर भी बहुत बढ़िया है उसका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही सपोर्ट आपको चाहिए, भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, लोकेशन भी दे दूंगा भैया की, थैंक यू। आना और कॉल करके आना अगर आप इतना दूर से आ रहे हैं तो, ठीक है। बाकी ऐसे फिर प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।